पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान ट्रक में बने तहखाने से 1035 लीटर विदेशी शराब जब्त किया। बताया जा रहा है कि मरंगा थाना अध्यक्ष को गुप्त सूचना मिली कि दालकोला से शराब की खेप लेकर पूर्णिया के रास्ते सहरसा ले जाने की तैयारी की जा रही है। सूचना मिलने पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम का गठन किया। सदर SDPO पुष्कर कुमार ने प्रेस वार्ता करते हुए घटना की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सूचना के बाद तुरंत ही मरंगा थाने के पास वाहन चेकिंग प्रारंभ कर दिया गया। इस दौरान बंगाल नंबर का ट्रक नेवालाल चौक की ओर से आता दिखाई दिया। चेकिंग के दौरान ट्रक ड्राइवर वाहन को रोककर भागने की कोशिश की, मगर पुलिस ने उसे धर दबोचा। तलाशी के दौरान केबिन से ट्रक के डाला में एक तहखाना बनाकर शराब छुपाकर रखा गया था। जांच के दौरान पुलिस ने 115 कार्टन में 2760 बोतल विदेशी शराब जब्त किया। गिरफ्तार ट्रक ड्राइवर पवन कुमार ठाकुर पश्चिम बंगाल के पश्चिम वर्धमान जिले के सालनपुर थाने के देंदुआ मोड़ का रहने वाला है। आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। गुप्त सूचना मिली थी वरीय पदाधिकारी को कि दालकोला से एक ट्रक है जिसका नंबर WB7C37C1558 है, इसमें शराब का खेप जो है आ रहा है, जो मरंगा होते हुए सहरसा जाना था, जिसके फॉरवर्ड लिंकेज सहरसा तक थी और बैकवर्ड लिंकेज दालकोला से था। तो उसको नेवालाल चौक के पास SHO रूपक रंजन सिंह एवं अन्य पदाधिकारी मरंगा थाना के विष्णुकांत, उत्तम कुमार, नीरज कुमार, इन सब के द्वारा इंटरसेप्ट किया गया और उसकी विधिवत तलाशी ली। तो ड्राइवर के सीट का केबिन और जो डाला है उसके बीच में एक तहखाना बनाया हुआ था और उस तहखाना में 115 कार्टून जो है शराब था, जिसमें इंपीरियल ब्लू और रॉयल स्टेक दो ब्रांड का शराब था। 2760 बोतल सभी 375 ml, कुल 1035 लीटर की बरामदगी हुई है, जिसमें 2760 बोतल था जिसमें 115 कार्टून था, इसमें कुल मात्रा हुआ आपको 1035 लीटर। हाँ, एक व्यक्ति की गिरफ्तार हुआ है, जो व्यक्ति का नाम जो है पवन कुमार ठाकुर है, पिता शिवानंद ठाकुर है, तेंदुआ मोड़ थाना सालनपुर पश्चिम वर्धमान पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। ऐसे ये जमुई में ही शिफ्ट किया हुआ है, इसके फादर मदर सब जमुई में रहते हैं और ये मालिक से लगातार फ़ोन पर संपर्क में था। ट्रक का जो ऑनर है उसकी भी इसमें संलिप्तता प्रकाश में आई है। इसके डिलीवरी सर